मरीजों को राहत। आईजीएमसी के बाद अब टांडा में शुरू होगी ओपन हार्ट सर्जरी। आईजीएमसी के बाद अब टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने नवंबर माह में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश पठाना ने इस बात की पुष्टि की है। ड्रोन से भांग की खेती का पर्दाफाश। चौपाल में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्यवाही। सेब के बगीचे में उगाए थे पौधे। जिला शिमला के चौपाल में सेब के बगीचे में भांग के पौधे उगाने का मामला सामने आया है। पुलिस के स्टेट सीआईडी शिमला को सूचना मिली है कि दिनेश कुमार पुत्र ईश्वरी नंद निवासी ग्राम तुहिल पीओ चंबी तहसील चौपाल जिला शिमला ने अपने सेब के बगीचे में भांग की खेती की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पहले ड्रोन कैमरे क्षेत्र की रेकी की, इसके बाद यहां पर दबिश दी गई। इस पर जब सेब के बगीचे में जाकर देखा तो भांग के 278 पौधे मिले। ये खेती अवैध रूप से की गई थी। पुलिस ने इसे सीज कर दिया है और अब जल्द ही इसे नष्ट किया जाएगा। एएसआई योगराज स्टेट सीआईडी शिमला ने एनपीडीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रदेश में इस दिन थम सकते हैं निजी बसों के पहिए। प्रदेश भर में 24 सितंबर को निजी बसों के पहिए थम सकते हैं। निजी बस चालक परिचालक यूनियन उनकी मांगों को लेकर की जा रही अनदेखी के खिलाफ प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही है। 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी दौरे पर आ रहे हैं। इसी दिन निजी बसों का संचालन न होने से प्रदेश के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हड़ताल की तैयारियों के लिए यूनियन के प्रतिनिधि प्रदेश भ्रमण कर निजी बसों के चालक परिचालकों के साथ हड़ताल की रणनीति बना रहे हैं। इसी हफ्ते हड़ताल के औपचारिक ऐलान की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश जिला अदालतों में 444 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक एचपी हाई कोर्ट भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की जिला अदालतों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। शिमला उच्च न्यायालय द्वारा आज 14 सितंबर 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार क्लास 3 के पदों प्रोटोकॉल ऑफिसर क्लर्क जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एवं क्लास 4 के पदों प्रोसेस सर्वर चपरासी अदली चौकीदार चपरासी कम चौकीदार सफाई कर्मचारी चौकीदार सफाई कर्मचारी और ड्राइवर की कुल 444 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को निर्धारण प्रक्रिया से चयन किया जाना है।